हे गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए जंक्शन। यह हमारी वीडियो सीरीज फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 69th लेक्चर है, जिसमें हम अपना चैप्टर पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्टनरशिप में आज हम देखने वाले, अगर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, इन दैट केस हमको क्या सारे ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं। तो अगर सारे पार्टनर्स, मतलब जो भी पार्टनर्स हमारे पार्टनरशिप में हैं, वो सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो क्रेडिटर्स फिर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमको पूरा पैसा मिलेगा। उनको कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट वापस मिल सकता है, लेकिन पूरा वापस नहीं मिल सकता, ठीक है। क्योंकि एक पर्सन इंसॉल्वेंट कब होता है, जब वो अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरी तरीके से पेमेंट नहीं कर पाता। मतलब उसने जितनी लाइबिलिटीज़ ले रखी है, उसके हिसाब से अब वो पेमेंट करने के लिए उतना केपेबल नहीं है, तो इन दैट केस उसको इंसॉल्वेंट बोला जाता है, ठीक है। तो इन सच केस सन्ड्री क्रेडिटर्स शुड नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एज सन्ड्री क्रेडिटर्स को पूरा पैसा अब नहीं मिलने वाला है, इसलिए उन क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स में कौन कौन कवर, बैंक लोन, आपने जो भी लोन भी रखा होगा फ्रॉम आउटसाइडर्स, वो भी यहाँ पे कवर होंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को आप ट्रांसफर नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। सन्ड्री क्रेडिटर्स को पैसा दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, जो भी आपके पास कैश इन हैंड है, प्लस जितना अमाउंट आपको रियलाइज हुआ है ऑन सेल ऑफ एसेट, प्लस सरप्लस जो कि आपको प्राइवेट एस्टेट से हमको मिला है, माइनस एक्सपेंसेस करके जो अमाउंट आएगा, वो अमाउंट यूटिलाइज किया जाएगा पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स के लिए। अगर इसके बाद जो भी बैलेंस क्रेडिटर बच जाते हैं पेमेंट करने के बाद, तो वो बैलेंस क्रेडिटर हमारे रिप्रेजेंट करते हैं डेफिशिएंसी, और ये डेफिशिएंसी जो है वो बॉर्न करनी पड़ेगी क्रेडिटर्स को, और ये जो डेफिशिएंसी आप किस में ट्रांसफ़र करेंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट में। अगर बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट हमारे पास बचता है, तो वो भी आपका ट्रांसफ़र होगा डेफिशिएंसी अकाउंट में, बुक्स को क्लोज करने के लिए। हम जब एंट्रीज पास करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, डेफिशिएंसी को बॉर्न कर सकता है क्रेडिटर डायरेक्टली, और इसको एडजस्ट किया जा सकता है क्रेडिटर अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम एंट्रीज देखते हैं। फॉलोइंग एंट्रीज आपको पास करनी पड़ेगी जब आप पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो नॉर्मल एंट्री पास होगी, क्रेडिटर्स को पैसे दिए जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, और क्रेडिटर्स को पैसे दिए जा रहे हैं, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, इसलिए क्रेडिटर अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब ऑफ कोर्स ही बात है, हमने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे पूरा पेमेंट क्रेडिटर्स को नहीं दिया जा सकता, मतलब जितना पेमेंट दिया जाएगा उसको टू बैंक अकाउंट में शो करना है, जो पेमेंट नहीं हो रही है उसको आप शो करेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट में। नेक्स्ट इसके बाद आता है, अगर डेफिशिएंसी ट्रांसफर की गई है, जैसे समझ लीजिए क्रेडिटर्स का ये डेफिशिएंसी आया, तो जब उसको ट्रांसफर किया जाएगा तो क्या एंट्री होगी, तो इन दैट केस हम करेंगे एंट्री डेफिशिएंसी अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नॉर्मली यहाँ पे कौन सी डेफिशिएंसी की बात की गई है, तो यहाँ पे अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेफिशिएंसी आ रही है, वो पूरा पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वाले डेफिशिएंसी को आप ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन नंबर 29 में क्वेश्चन करेंगे तो हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अगर सारे पार्टनर्स हमारे इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो इन दैट केस हमको क्या क्या ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हमने देख लिया थ्योरी पार्ट उसका, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 29 क्या बोल रहा है। बैलेंस शीट आपको दी हुई है, कैपिटल्स हमारे पास PQR के हैं, बैंक लोन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, फिक्स्ड एसेट्स और कैश हमारे पास अवेलेबल है, सारे पार्टनर्स हमारे इंसॉल्वेंट हो गए हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, एसेट्स 1 लाख के थे, 60,000 रुपीज़ उनकी वैल्यू रियलाइज हुई है, आपको नेसेसरी लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। अब एज हमको पता है कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को अब हमको रियलाइजेशन अकाउंट में शो नहीं करना है, मतलब जो आपका ये बैंक लोन और सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं उनको अब आप रियलाइजेशन में लेके नहीं जाएंगे। तो बचता क्या है रियलाइजेशन में शो करने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स। तो ये फिक्स्ड एसेट्स अब हम शो करेंगे इन रियलाइजेशन अकाउंट टू फिक्स्ड एसेट्स। जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी हुई है वो आप यहाँ पे शो करते हैं, 1 लाख रुपीज़ ये आपको दिया हुआ है। अब एज हमारे पास इसके अलावा कोई भी एसेट नहीं है जिसको हम यहाँ शो करें, और ना ही कोई लाइबिलिटी है जिसको आपको यहाँ पे शो करना है। लास्ट में आपको दिया हुआ है कि एसेट की वैल्यू रियलाइज हुई है 60,000 रुपीज़, तो वो यहाँ शो कर दीजिए, बाय बैंक अकाउंट 60,000 रुपीज़, और बचा हुआ दैट इज 40,000 रुपीज़, वो हमारा लॉस हो जाएगा ऑन रियलाइजेशन। ये लॉस ट्रांसफर हो जाएगा बिटवीन PQR इन द रेशियो 5:3:2,
टी क्यू आर के बीच में 40,000 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 20,000 रुपीज़ इसके में आएगा, 12,000 क्यू के पास और 8,000 रुपीज़ आर के पास आएगा। ठीक है, तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, हमने सारे ट्रांसफर कर दिए। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हम नॉर्मली क्या प्रिपेयर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमको यहाँ पे भी वही प्रिपेयर करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ये शो होगा। अमाउंट आपके पास है 5,000, 3,000, 2,000। इसके अलावा अगर आप चेक करें तो इसके अलावा हमारे पास रियलाइजेशन का लॉस आता है, जो हम यहाँ शो करेंगे, लॉस ऑन रियलाइजेशन। अमाउंट कितना है, 20,000, 12,000 and 8,000 rupees। ठीक है, तो ये हमारे पास अमाउंट आ रहे हैं। और इसके बाद अगर आप चेक करें तो इसके बाद हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है जो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो अब आप टोटल करें तो अमाउंट देखिए, यहाँ के अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, इसलिए जो भी आपका अमाउंट आएगा वो जाएगा पूरा का पूरा डेफिशिएंसी में। जो भी बैलेंस ऑफ कैपिटल रहेगा वो डेफिशिएंसी में जाएगा, हमने पहले ही देख लिया है। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट शुड ऑल्सो बी ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट, और उसके अलावा जो भी क्रेडिटर्स का अमाउंट जितना पे नहीं करेंगे वो भी डेफिशिएंसी में जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बैलेंस किसका निकाल रहे हैं, कैपिटल अकाउंट का। 20,000 minus 5,000 दैट इज 50,000 rupees, 12,000 minus 3,000 9,000 एंड 8,000 minus 2,000 इज 6,000 rupees। तो ये अमाउंट आपके डेफिशिएंसी में जाएंगे। अब यहाँ बाय डेफिशिएंसी लिखा है, तो डेफिशिएंसी अकाउंट में आप क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना है, पी क्यू और आर का अमाउंट है 15,000, 9,000, 6,000। ठीक है, अब इसके बाद हमको बोला है, हमने जो यहाँ पे पढ़ा है उसके हिसाब से हमको ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेफिशिएंसी अकाउंट में, और साथ साथ जो भी हमारे क्रेडिटर्स हैं उनका भी बैलेंस अगर कुछ बचता है जिनका पेमेंट नहीं हुआ है वो भी डेफिशिएंसी में डालना है। तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना हमने पेमेंट किया टू क्रेडिटर्स और कितना नहीं किया। तो बैंक लोन भी हमारा एक क्रेडिटर है, तो यहाँ पे आप शो करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक लोन का अमाउंट दैट इज 60,000 rupees यहाँ पेमेंट करना है। सिमिलरली क्रेडिटर्स का हमको पे करना है टोटल 40,000 rupees। तो अब हमको पता है कि हमारे पास टोटल 1,00,000 रुपए तो है ही नहीं। हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या बोला है, कितना कैश इन हैंड है। तो कैश इन हैंड हम चेक करें तो कैश इन हैंड हमारे पास अवेलेबल है, आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है 10,000 rupees। ठीक है, इसके बाद आपको बोला गया है कितना कैश इन हैंड है प्लस कितना अमाउंट आपको सेल ऑफ एसेट से मिला। तो सेल ऑफ एसेट से हमको कितना रुपए मिला, 60,000 रुपए प्लस 60,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया है, तो इसके बाद बोला गया है सरप्लस जो कि प्राइवेट एस्टेट ऑफ पार्टनर्स का है, तो हम ले सकते हैं कि जो उनका बैलेंस ऑफ कैपिटल है 5 + 3 + 2 दैट इज 10,000 रुपीज। और इसके बाद हमको बोला है कि अगर कोई एक्सपेंसेस हो तो उनको इससे माइनस कर देना। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है, तो टोटल यही अमाउंट है जो हमारे पास है, दैट इज 80,000 रुपीज। टोटल 80,000 रुपीज है जिसमें आपको पेमेंट करनी है 1,00,000 रुपए की लाइबिलिटी। देखिए यहाँ पे जो प्राइवेट एस्टेट बोला गया है, सरप्लस फ्रॉम प्राइवेट एस्टेट ऑफ पार्टनर, मतलब प्राइवेट एस्टेट से वो क्या क्या पैसे लेके आ रहे हैं, यहाँ पे वो इंसॉल्वेंट है इसलिए ये वाला पैसा यहाँ नहीं शो होगा। ये जो बैलेंस है दैट इज 5,000, 3,000, 2,000 ये आपका ऑलरेडी इंक्लूडेड है जो भी हमारे एसेट साइड की वैल्यूज है उसमें, मतलब ये इस कैश में और इस एसेट में वो वाली वैल्यू इंक्लूडेड है, दैट इज बैलेंस जो कि हमारा कैपिटल अकाउंट का है। अगर वो एस्टेट अलग से लेके आते एक्सेप्ट दिस कैपिटल तो उसको हम यहाँ पे इंक्लूड करते। तो टोटल हमारे पास कितना रुपए है, 70,000 रुपीज है, जिसको आपको डिवाइड करना है बिटवीन बैंक लोन एंड क्रेडिटर्स। तो कैसे हम डिवाइड करेंगे इन दोनों के बीच, तो इन दोनों की लायबिलिटी कितनी बची है, तो 60,000 बैंक लोन का बचा है, 40,000 हमारा बचा है किसका, क्रेडिटर्स का। मतलब इसका अगर हम रेशियो निकाले तो 6:4 और अगर आप शॉर्ट कर ले तो 3:2 हमारा रेशियो आता है। मतलब जितना भी हमारे पास टोटल अमाउंट है उसको हम डिवाइड करेंगे बिटवीन दिस पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन की फाइंड आउट कर लें कि आपके पास कितना पैसा है पे करने के लिए। दूसरा ऑप्शन आप ये पता कर लें कि कितना पैसा हम पे नहीं कर सकते। ये कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो इसके लिए बहुत ईजी है, आपको चेक करना है कि कितनी डेफिशिएंसी आ रही है। ठीक है, कितनी डेफिशिएंसी आ रही है किसमें,
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास टोटल डेफिशिएंसी अगर आप चेक करें तो 15 + 9 + 6 दैट इज 30,000 रुपीज़। टोटल 30,000 की डेफिशिएंसी आ रही है। इस डेफिशिएंसी को डिवाइड कर दीजिए बिटवीन पार्टनर्स, सॉरी बिटवीन क्रेडिटर्स, जो रेशियो आपके पास है 3:2, इस रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। तो 3:2 में अगर आप डिवाइड करें तो डेफिशिएंसी हमको पता चल जाएगी कि इसके में डेफिशिएंसी आएगी बाय डेफिशिएंसी अकाउंट, इसके में डेफिशिएंसी आएगी, हम क्या करेंगे 30,000 का 3/5 करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे आपकी डेफिशिएंसी आएगी 18,000 रुपीस और यहाँ पे आपकी डेफिशिएंसी आएगी 12,000 रुपीस, ठीक है। और अगर आप चाहें तो ये अमाउंट निकाल के इसको 3:2 में डिवाइड कर दें, तो 70,000 का 3/5 करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 42,000 और यहां पे आपका आएगा 28,000, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक अगर आपने निकाल लिया तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा क्योंकि वो बैलेंस ही निकलेगा। अगर आपने देखिए यहाँ पे 18,000 ये डेफिशिएंसी वाले से निकाल लिया कि कितना डेफिशिएंसी पार्टनर के कैपिटल में आ रहा है, उसको टोटल किया हमने और उसके बाद डेफिशिएंसी को डिवाइड कर दिया बिटवीन जितने भी हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ जितना भी उनका क्रेडिट अमाउंट बचा हुआ है, ठीक है। तो आपने ये डेफिशिएंसी निकाल ली, फिर 60,000 माइनस 80,000 करेंगे तो आपकी वैल्यू एटलास्ट 42,000 ही आएगी। सिमिलरली आप अगर ये कैश वैल्यू निकाल लेते कि कितना हम पेमेंट करेंगे टोटल, तो आप ये वाली वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास, या तो डेफिशिएंसी फाइंड आउट कर लो या तो टोटल अमाउंट जो हम पे कर सकते हैं वो फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो उससे आप ये निकाल सकते हैं और एट लास्ट हम प्रिपेयर करेंगे कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट अगर आप प्रिपेयर करें तो उससे पहले देख लेते हैं हमारा जो डेफिशिएंसी अकाउंट है यहाँ पे वो अमाउंट शो हुए हैं। तो बाय बैंक लोन आएगा यहाँ पे 18,000 एंड बाय क्रेडिटर्स आएगा यहाँ पे 12,000। टोटल अमाउंट कितना है हमारा 30,000 रुपीज़। तो हमारा, हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि हमारा डेफिशिएंसी अकाउंट टैली हो रहा है, तो डेफिशिएंसी अकाउंट भी आपका नॉर्मली टैली हो जाएगा क्योंकि ये अमाउंट आपके मैच करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कैश अकाउंट प्रिपेयर करना। तो कैश आपने जहाँ जहाँ पेमेंट किया है वो ले लीजिए। तो बैंक लोन में पे किया है बाय बैंक लोन, कितना पे किया है 42,000 रुपीज़। हमने पे किया है क्रेडिटर्स के लिए 28,000 रुपीस और हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कैश का पड़ा था 10,000 रुपीस, प्लस इसके साथ हमारे पास जो एसेट की वैल्यू हमको मिली वो हमारे पास पड़ा है 60,000 रुपीस। तो अगर आप यहाँ पे टोटल करें तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 70,000 एंड 70,000 जितना हमारे पास टोटल कैश था जो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ हो। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिटर्न ऑफ प्रीमियम टू अ पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। मतलब देखिए, हमारे पास प्रीमियम पड़ा है, प्रीमियम मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल की बात की जा रही है। प्रीमियम फॉर गुडविल एक पार्टनर ने हमको दिया है एडमिशन के टाइम पे, तो वो प्रीमियम ऑफ गुडविल क्या रिटर्न किया जाएगा ऑन डिसोल्यूशन एक्सपायरी ऑफ टर्म के पहले अगर डिसोल्यूशन हो जाता है। जैसे समझ लीजिए एक पार्टनर है जिसको हमने फर्म में एडमिट किया है फॉर 10 ईयर्स, लेकिन इस 10 ईयर्स से पहले ही 5 साल में ही हमारा क्या हो जा रहा है, डिसोल्यूशन हो जा रहा है। तो इन दैट केस क्या हम ए को पैसा पे करेंगे क्या? उसके लिए कुछ कंडीशंस है, अगर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तो हाँ पे करेंगे, और आपको कुछ एक्सेप्शन भी ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला कंडीशन है पार्टनर एडमिट किया गया है पार्टनरशिप फर्म में फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि वो पर्टिकुलर 10 ईयर्स के लिए हमने उसको रखा था। नेक्स्ट, वो पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल पे करना चाहिए एडमिशन के टाइम में, तो ऑफकोर्स ही बात है जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल पे ही नहीं करेगा तो उसको हम रिटर्न क्यों देंगे। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होनी चाहिए उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से पहले, आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जानी चाहिए तब रिटर्न किया जाएगा। इसके कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कब कब रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है पार्टनर की डेथ से, तो इन दैट केस आपको प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं मिलेगा। डिसोल्यूशन हो रहा है मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर क्लेमिंग रिफंड,
जिस पार्टनर दैट इज समझ लीजिए ए है जिसको हमको रिफंड देना था, लेकिन अगर ये डिसोल्यूशन हो रहा है सिर्फ इसी के कारण, इसके मिसकंडक्ट के कारण, ठीक है, तो इन दैट केस उसको रिफंड नहीं मिलेगा, रिटर्न नहीं मिलेगा प्रीमियम. डिसोल्यूशन हो रहा है इन परसियंस ऑफ एन एग्रीमेंट कंटेनिंग नो प्रोविजन फॉर रिटर्न ऑफ प्रीमियम और एनी पार्ट देयर ऑफ. डिसोल्यूशन हो रहा है और उसमें एक एग्रीमेंट तैयार किया गया जिसमें बोला गया कि प्रीमियम का हम रिटर्न नहीं करेंगे, अगर ऐसा केस है तो इन दैट केस भी आप रिटर्न नहीं करेंगे. अमाउंट ऑफ रिटर्न, अब देखिए हमको बोला गया रिटर्न करना है प्रीमियम, ठीक है, तो रिटर्न करेंगे अगर हम तो कितना अमाउंट ऑफ रिटर्न होगा, तो अमाउंट डिटरमाइन होगा विथ रिगार्ड टू टर्म्स अपॉन विच एडमिशन वॉज मेड. जिस हिसाब से, जिस चीज के बेसिस में आपका एडमिशन हुआ था उसी बेसिस में आपको रिफंड मिलेगा, एंड टू द लेंथ ऑफ पीरियड एग्रीड अपॉन, जितने पीरियड के लिए एग्री किया गया था उसके हिसाब से मिलेगा और कितना पीरियड एक्सपायर हो गया उसके हिसाब से मिलेगा. अदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होगी कि ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम जब कर रहे हैं तो उनको वो रिटर्न को बॉर्न करना पड़ेगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो. अब देखिए हमने क्या क्या टॉपिक हमारे पार्टनरशिप में कंप्लीट कर लिया. तो हमने देखा, सबसे पहले हमने कवर किया एडमिशन, उससे पहले हमने गुडविल से रिलेटेड सारी चीज़ें देख ली कि गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट होगा, हमने एडमिशन कवर किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाएगा वो हमने कवर किया, रिटायरमेंट हमने कवर किया, डेथ ऑफ पार्टनर हमने कवर किया, डिसोल्यूशन हमने कवर किया और हमने इनसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर कवर किया. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए. अगर आप इसके बाद देखें तो इसके बाद हमारे पास आता है मेन टॉपिक, अगर आप देखें तो पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन आता है और उसके बाद हमारा अगर अमलगमेशन हो रहा है कंपनी का या फिर गोइंग कंसर्न हम अपनी कंपनी को सॉरी पार्टनरशिप फर्म को किसी और के पास ट्रांसफर कर रहे हैं. ये सारे टॉपिक्स हमारा जो है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, गोइंग कंसर्न, अमलगमेशन, ये सारे टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी रिलेवेंट नहीं है. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चेक कर रहे हैं तो पिछले कितने भी अप्रॉक्स 5 to 10 ईयर्स के पेपर आप चेक करेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे. ठीक है, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, गोइंग कंसर्न, अमलगमेशन, ये सब आपके नॉर्मली पार्टनरशिप से क्वेश्चन नहीं आते. अगर आपके क्वेश्चन आएंगे तो जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उन्हीं से आपके क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली पार्टनरशिप के अंदर. ठीक है, अगर देखिए ये जो टॉपिक्स हैं अभी ये ना करा के आगे जाना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए. अगर एट लास्ट हमारे पास टाइम बचता है दिसंबर के लिए, हमारे पास अगर मैंने 10th नवंबर तक का टाइम सेट किया है कि इसको मुझे कंप्लीट करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अगर उससे पहले हमारा कंप्लीट हो जाता है तो वी विल कंटिन्यू दिस, अदरवाइज ये वाले जो टॉपिक्स है इसको हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि मेन फोकस हमारा होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक्स हमारे रिलेवेंट नहीं है ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, तो पार्टनरशिप में जो जो टॉपिक्स रिलेवेंट थे, जो जो मुझे लगा कि हाँ आ सकते हैं, वो सब मैंने कवर करवाया है और मैंने जितने भी पेपर्स चेक किए हैं ये वाले टॉपिक्स आपके कवर नहीं है. ठीक है, तो ये हम टॉपिक अभी कवर नहीं करेंगे. अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सेल्फ बैलेंसिंग लेजर स्टडी नोट 7 स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो. अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स. सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो.